हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2019 की तमिल लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सिक्सर का, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि सिक्सर के ही नाम से डब किया गया है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है छाछी ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे वैभव रेड्डी और पलक लालवानी। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सतीश, राधा रवि और आर मनोहर। सिक्सर फिल्म की कहानी की बात करें तो आदि, जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वैभव रेड्डी, जो एक सिविल इंजीनियर है और अपनी फैमिली के साथ अच्छी लाइफ जी रहा है, और उसी वजह से उसकी मैरिज के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और आदि अपनी खुद की सेफ्टी के लिए किसी भी तरह से अपनी जॉब या अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो वो शाम को 6 बजे से पहले किसी भी तरह से खत्म करके मैनेज करके अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन किसी एक दिन एक बीच के पास उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और उस प्रॉब्लम के चलते, उस ट्रबल के चलते वो अपने सबसे करीबी दोस्त, जिसका रोल प्ले करते नजर आएंगे सतीश, उसकी हेल्प लेता है। और इसी समय के दौरान वहां पे बीच के ऊपर एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है, और वो प्रोटेस्ट एक पावरफुल पॉलिटिशियन के अगेंस्ट है, जिसका रोल प्ले करते नजर आएंगे आर मनोहर। और जो वो आर मनोहर वाला कैरेक्टर है, जो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन बनने से पहले उसके ऊपर काफी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी काफी दर्ज हुए। और ऑब्वियसली आदि को इस बारे में पता नहीं है कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और आदि को खुद को पता चले बिना वो इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाता है। और उसके बाद एक रिपोर्टर, जिसका रोल प्ले करते नजर आएंगी पलक लालवानी, वो अनफॉर्चुनेटली आदि को इस ग्रुप का लीडर समझ लेती है, जो पॉलिटिशियन के सामने खड़ा हुआ है एक मैटर के चलते। और इसी अच्छाई की वजह से पलक लालवानी का कैरेक्टर, जिसका नाम है कृतिका, वो आदि को पसंद करने लगती है। और बाकी की फिल्म की कहानी ये है कि आदि किस तरह से ये सभी मैटर को हैंडल करेगा। तो यही सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इन सभी चीजों को काफी कॉमेडी वे में क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया हुआ है। फिल्म के स्टोरी, स्क्रीन प्ले और राइटर डायरेक्टर की बात करें तो वो है छाछी, जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। उन्होंने फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया चूज किया हुआ है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के साथ वो पूरी तरह से अपना एग्जीक्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ चीजों में उनका काम का थोड़ा ढीला नजर आता है, लेकिन कुछ कॉमेडी सीन्स में वो काफी दमदार नजर आ रहे थे। और उसी के साथ ऐसे सिली सीन्स भी क्रिएट किए हुए, जिसकी वजह से फिल्म का फ्लो आसानी से टूटता हुआ नजर आता है। हाँ, फिल्म की कॉमेडी हमें जरूर पसंद आएगी, लेकिन पूरी तरह से पसंद नहीं आएगी, वो पार्ट वाइज पसंद आएगी, क्योंकि फिल्म में कुछ सिली सीन्स इस तरह से डाले हुए, लॉजिक की उसमें काफी ज्यादा कमी नजर आती है, और डायरेक्शन में जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, यानी कि नरेशन में जो स्क्रिप्ट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो सभी चीजें आपको पार्ट वाइज यानी टुकड़ा में एंगेजिंग रखेगी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक की बात करें तो वो डिसेंट है। फिल्म के लीड एक्टर यानी कि वैभव रेड्डी, उनका आदि वाला कैरेक्टर उन्होंने परफेक्ट तरीके से निभाया हुआ है। वो कैरेक्टर उनपे काफी बढ़िया तरीके से सूट भी कर रहा था, और उतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर भी किया हुआ है। उनके कैरेक्टर के साथ वो हमें आसानी से जोड़ लेते हैं। पलक लालवानी, जो कृतिका का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आती है, उनके कैरेक्टर के साथ उन्होंने ठीक ठाक काम किया हुआ है। उनका कैरेक्टर पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है, और पलक लालवानी अपने कैरेक्टर के साथ हमें उतना बढ़िया वे में इम्प्रेस नहीं कर पाती है। सतीश, राधा रवि, आर मनोहर, ये सभी एक्टर अपने रोल में काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। उनका परफॉर्मेंस हर बार की तरह शानदार नजर आता है। इसके अलावा जो फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट थी, उन्होंने फिल्म के साथ जस्ट अबाउट ओके जैसा काम किया हुआ है। इसके अलावा फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो ब्लाइंडनेस वाला कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी बढ़िया था। उसकी जो स्टोरी लाइन थी उसमें मजबूताई नहीं थी, जो बेसिक स्टोरी लाइन होनी चाहिए थी वो मजबूत होनी चाहिए थी, उसमें डेप्थ होनी चाहिए थी, उन सभी चीज़ों में फिल्म काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। और इसके अलावा जो फिल्म का क्लाइमेक्स है, जहाँ पे आपको क्लीशे फाइट देखने को मिलती है हीरो और विलन के बीच में, वो उतनी भी बेटर नहीं है और उतनी भी बुरी नहीं है। तो मैं 2019 की तमिल लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सिक्सर को 3 out of 5 की रेटिंग देता हूँ, क्योंकि फिल्म की जो कॉमेडी वो टुकड़ों में पसंद आती है, और उसके अलावा जो लॉजिक है वो फिल्म में नहीं है, कुछ सिली सीन्स भी ज्यादा डाले हुए, और इसके अलावा वैभव रेड्डी का शानदार परफॉर्मेंस आपको जरूर पसंद आएगा। इस फिल्म को वन टाइम वॉच फिल्म कह सकते हो, तो एक बार के लिए आप ये फिल्म टाइम पास के तौर पे देख सकते हो। तो बस गाइस, आज के रिव्यू में इतना ही था। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस फिल्म को देखते हो तो फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के हिंदी रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।